माने स्टूडेंट, दिस इज योर हिंदी क्लास। बच्चों, पिछले चैप्टर में हमने आपको उ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास कराया था ना, और आज बच्चों हम आपको उ की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास कराएंगे। ओके, देखिए उ की मात्रा जो होती है उसको हम कम समय लेके बोलते हैं। वो किसी भी व्यंजन के नीचे बाएं तरफ उसकी मात्रा लगाई जाती है। लेकिन उ की मात्रा क्या है बच्चों, इसको हम देर तक बोलते हैं, थोड़ा समय लेकर खींच कर बोलते हैं, या किसी भी व्यंजन के नीचे दाहिनी तरफ इसकी मात्रा लगती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये क्या है, कौन सा स्वर है बताइए। ऊ स्वर क्या है, ऊ क्या है, ऊ की मात्रा। अब ये क्या है बच्चों, ऊ स्वर की मात्रा। देखिए ये रेड कलर की दिख रही है ना, ये किस स्वर की मात्रा है, ऊ स्वर की मात्रा। ये देखिए किसी व्यंजन के नीचे दाहिनी तरफ इसकी मात्रा लगाई जाती है। केवल र एक ऐसा व्यंजन है जिसमें ऊ की मात्रा र व्यंजन के मध्य भाग में लगाई जाती है। ओके, देखिए क हलंत प्लस ऊ, फिर ऊ की मात्रा। देखिए ये क्या है, ऊ की मात्रा। तो देखिए बच्चों, हम क क के आगे ऊ नहीं लिखेंगे, ऊ स्वर, हम ऊ स्वर की मात्रा लिखते हैं। किसी भी व्यंजन के आगे हम ऊ स्वर नहीं लिखेंगे, ऊ स्वर की मात्रा। लगाते हैं, जैसे देखिए ये क्या है, ये क हलंत प्लस ऊ, देखिए ऊ की मात्रा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, कु। देखिए क सबसे पहले क्या है, क लिखेंगे यहाँ, देखिए क है ना, क है तो क के आगे देखिए बच्चों ऊ नहीं लिखा हुआ है, ऊ स्वर नहीं लिखा गया है, क्या है, क के नीचे ऊ स्वर की मात्रा लगी हुई है, तो क्या हो गया ये, कु। क्या हुआ, कु। देखिए बच्चों, हम कुछ व्यंजनों पर ऊ के स्वर की मात्रा को लगाने का अभ्यास करा रहे हैं, इसको अच्छी तरह देखिए फिर लर्न कीजिए। ओके, इन व्यंजनों पर ऊ की मात्रा लगाइए। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इन व्यंजनों को यहाँ पे लिख दिए हैं, अब क्या करेंगे, इन व्यंजनों पर हम ऊ की मात्रा को लगाने का अभ्यास कराएंगे। ओके, देखिए ये क्या है, कौन सा व्यंजन है, क। क पे जब हम ऊ स्वर की मात्रा लगाएंगे तो इसमें कौन सी ध्वनि करने लगेगी, ऊ की। जिसे क है तो क पे जब ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा, कु। क पे जब हम ऊ की मात्रा लगाएंगे बच्चों तो देखिए ये क्या हो जाएगा, कु। इसको हम देर तक बुनेंगे, थोड़ा समय लेकर खींच कर बोलते हैं। ओके, देखिए किसी भी व्यंजन के नीचे इसकी मात्रा दाहिनी तरफ लगती है। ओके, लेकिन जो उ की मात्रा होती है इसको हम कम समय लेकर जल्दी से बोलते हैं। ये किसी भी व्यंजन के नीचे इसकी मात्रा बाएं तरफ लगती है। देखिए ये क्या है, ये है उ की मात्रा, क्या है, उ की मात्रा, और इसको हम देर तक बोलते हैं। अब इसकी मात्रा किसी व्यंजन के नीचे दाहिनी तरफ लगाई जाती है, ये क्या हुआ, कु। ख व्यंजन पर खू, ग व्यंजन पर गु, घ व्यंजन पर घू, च व्यंजन पर चू, छ व्यंजन पर छू, ज व्यंजन पर जू, झ व्यंजन पर झू, ट व्यंजन पर टू, ठ व्यंजन पर ठू, ड व्यंजन पर डू, ढ व्यंजन पर ढू, ड व्यंजन पर डू, त व्यंजन पर तू, थ व्यंजन पर थू, द व्यंजन पर दू, ध व्यंजन पर धू, न व्यंजन पर नू, प व्यंजन पर ऊ, फ व्यंजन पर फू, ब व्यंजन पर बू, भ व्यंजन पर भू, म व्यंजन पर मू, य व्यंजन पर यू। देखिए बच्चों, र एक ऐसा व्यंजन है जिस पर हम ऊ की मात्रा
र व्यंजन के मध्य भाग में लगाते हैं। देखिए ये रहा मध्य भाग ना, बीच का भाग। तो र व्यंजन पे ऊ की मात्रा कैसे लगाई जाती है, इस तरह बच्चों बीच में रू, ल व्यंजन पर लू, व व्यंजन पर ऊ, ह व्यंजन पर सू, ख व्यंजन पर खू, स व्यंजन पर सू, ह व्यंजन पर ऊ, ख व्यंजन पर छू, त्र व्यंजन पर त्रु, ज्ञ व्यंजन पर यू। बच्चों इसको आप लर्न कर लीजिए, ओके। बच्चों इसको लर्न करने से आप लोगों को ऊ की मात्रा वाले शब्दों एवं वाक्यों को पढ़ना एवं लिखना आ जाएगा, ओके। जैसे बच्चों देखिए कौन सा व्यंजन है, फ। क्या है बच्चों, फ। फिर क्या है, प्लस। फिर क्या है, ऊ स्वर की मात्रा। फिर ल। फिर क्या है बच्चों, बराबर। और देखिए बच्चों इसको जोड़ के आपको क्या करना है, यहाँ पे शब्द बनाना है। अब बनाइए, सबसे पहले देखिए इसको आप लर्न कर लीजिए तभी तो बना पाएंगे आप। देखिए ये क्या है, कौन सा व्यंजन है, फ। फ पे जब ऊ की मात्रा लगा दी है तो क्या हो गया, फू। तो बच्चों यहाँ सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, फ व्यंजन। फिर फ व्यंजन पे ये किस स्वर की मात्रा, ऊ स्वर की। तो फ व्यंजन पे ऊ स्वर की मात्रा लगाइए, क्या हो गया, फू। फिर ल, कौन सा शब्द बना बच्चों, फूल, फूल। देखिए ये क्या है, ध प्लस उ की मात्रा प्लस ल। इसको जोड़ के यहाँ शब्द बनाइए बच्चों। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कहाँ पे ध है, ध। ध पे जब उ की मात्रा लगा दी तो क्या हो गया, धू। सबसे पहले ध व्यंजन लिखिए, फिर ध व्यंजन पे ऊ की मात्रा धू, फिर ल, धू ल। कौन से शब्द बना बच्चों, धू ल।